खरगोन जिले की महेश्वर तहसील के ग्राम कतरगांव क्षेत्र में किसान सब्जियों की तैयार फसल पर ट्रैक्टर से रोटावेटर से सब्जियों को पीस रहे हैं। किसान वीरेंद्र पाटीदार ने बताया कि मेरे द्वारा 3 एकड़ में पत्ता गोभी की फसल लगाई थी, जिसमें प्रति एकड़ 25 से 30 हज़ार रुपये खर्च किए गए थे और 50 से 60 हज़ार प्रति एकड़ का मुनाफा होता था और फसल भी बहुत बढ़िया थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते मंडियाँ बंद है। ऐसी स्थिति में तैयार फसल को ट्रैक्टर चलाकर पीसना पड़ रहा है। ग्राम के अखिलेश पाटीदार, महेश पाटीदार, हरिराम पाटीदार, जितेंद्र पाटीदार, सतीश पाटीदार और अन्य किसानों के यहाँ भी लगभग 25 एकड़ की फसल को नष्ट किया गया है, जिसमें लाखों रुपए की हानि हो रही है। कतरगांव से शिवशंकर रोकड़े की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? विजयंत पाटीदार, ग्राम कतरगांव, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन। भाई साहब, ये गोभी की फसल को ट्रैक्टर से आप पिसवा रहे हो, क्या कारण है इसका? इसका कारण लॉकडाउन होने के कारण हमारी फसल कहीं जगह भी जा नहीं रही है, मंडियां बंद हो गई है। हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी इंदौर मंडी करीबन 1-1.5 महीने से बंद है, उसके कारण हमें पिसवाना पड़ रहा है और आगे भी हमें अगली फसल के लिए हमारा खेत तैयार करना है। अच्छा, ये प्रति एकड़ कितना नुकसान हुआ आपको? हमारा प्रति एकड़ इसमें खर्च करीबन 25 हज़ार रुपये एकड़ का है और हमें मुनाफा करीबन 50 से 60 हज़ार रुपये प्रति एकड़ हो सकता था। ठीक है, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।